बाढ़ पीड़ितों के साथ मजाक कर रही है तहसील प्रशासन। बांसगांव तहसील मुख्यालय का हाल बेहाल है। यहां पर बाढ़ केंद्र बनाया गया है, यहां पर जनता बाढ़ से संबंधित शिकायत फोन से कर सके। तहसील प्रशासन द्वारा गलत टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो नंबर मिलाने पर फोन ही नहीं मिल रहा। जब इस मामले की तह तक जाने पर पता चला कि टोल फ्री नंबर में जीरो लगाया ही नहीं गया है। जब तक जीरो नहीं लगेगा तब तक फोन जाएगा ही नहीं। ऐसे में बाढ़ केंद्र पर एक भी फोन नहीं आया। जहां जनता त्रस्त है, लोग हैरान परेशान है, वहीं तहसील प्रशासन मस्त है, जिम्मेदारियों से पिंड छुड़ा रही है। प्रकोप से दुकानें हुई जलमग्न। गजपुर गोरखपुर बांसगांव संदेश गजपुर बाजार स्थित सीएस चौराहा के कुछ दुकानों में राप्ती नदी का पानी भर गया है। मालूम हो कि राप्ती का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते बाढ़ का पानी दुकानों में भर गया है। सीयर मोड़ की दुकान, सिंह हार्डवेयर, भारत मेडिकल स्टोर, पशु आहार केंद्र आदि दुकानों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसके चलते सिंह हार्डवेयर में रखा गया पीओपी, व्हाइट सीमेंट, पुट्टी जैसे सामान जिनकी कीमत लगभग 50,000 थी, पूरी तरह बर्बाद हो गई। भारत मेडिकल स्टोर और अन्य दुकानों की भी काफी क्षति हुई है। इन लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इनकी क्षति पूर्ति प्रशासन द्वारा हो। ये लोग पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे हैं। भरवलिया बसावनपुर रिंग बांध टूटा। गजपुर भरवलिया बसावनपुर रिंग बांध नदी के बढ़ते जलस्तर के दबाव को नहीं झेल पाया और टूट गया है। ग्रामीणों ने रिंग बांध को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तेज रिसाव के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। दोनों गांव के लोग अपने अपने सामानों को लेकर मेन बंधे पर शरण और अगल बगल किसी ऊंचे स्थानों पर अपने अपने सामानों को लेकर पहुंच रहे हैं। इसकी सूचना भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य राजेश सिंह राजन ने दी है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही हम लोग रात्रि में ही रिंग बांध को बचाने का भरपूर प्रयास किए, लेकिन असफलता ही हाथ लगी।
मुक्ति पथ का एसएसपी ने किया भ्रमण। पौधारोपण गोला गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर विपिन कुमार टांडा ने सुबह बड़लगंज के मुक्ति पथ पर पहुंचकर पूरे परिसर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने मुक्ति पथ के बारे में बारीकियों से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने वहां आम्रपाली आम के पौधे का रोपण किया। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि जन सहयोग से निर्मित मुक्ति पथ अपने आप में अलौकिक स्थान है, लगता ही नहीं कि यह एक शमशान घाट है। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी, कोतवाल मनोज राय, मुक्ति पथ के व्यवस्थापक महेश उमर, सचिव लक्ष्मी नारायण गुप्ता, राजकुमार भारती, सूरजपाल, सत्य प्रकाश कन्हैया सहित आदि लोग मौजूद रहे। भलुआन में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने परिवार से मिल ढांढस बंधाया। गगहा गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल स्थित गगहा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर भलुआन में अपने पीटते पिता के बचाव के लिए वीडियो बना रही 16 वर्षीय काजल की गोली मार हत्या कर दी गई। आज 13 दिन बाद भी उसका हत्यारा फरार है। शादी के 13 साल बाद जन्मी अपनी इकलौती औलाद को खो चुके माँ बाप किससे न्याय की गुहार लगाएंगे योगी जी। परिवार से मिल ढांढस बंधाया और न्याय की लड़ाई में साथ देने का विश्वास सुप्रिया श्रीनेत ने दिलाई। पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय केस भान राय की जयंती मनाई गई। गोला क्षेत्र के आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज ककरही गोरखपुर के मुख्य द्वार पर स्थित दो महान विभूतियों के मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर सादे समारोह के रूप में स्वर्गीय केस भान राय जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार सिंह व शिक्षकों ने स्वर्गीय केस भान राय की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों को स्वर्गीय केस भान राय के बताए मार्गों पर चलने का आह्वान दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रबंधक शिव प्रताप राय, संरक्षक रवि प्रताप राय, प्रसाद आदि उपस्थित रहे। ये डीजे पहुंचे काजल के घर, फरार आरोपियों पर बढ़ाया इनाम। गोरखपुर जिले के दरहा ब्लॉक के जगदीशपुर गांव में अपने पिता के पिटाई का विरोध करने पर बालिका काजल की गोली मारते हत्या हुई थी। उस मामले में गिरफ्तारी के दबाव के लिए विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। मामले को बढ़ता देखकर एडीजे अखिल कुमार पहुंचे और परिजनों से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर दी जाएगी। आरोपियों पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, परंतु एडीजे ने उस इनाम की धनराशि को 1,00,000 रुपये। गोला में सीओ के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने किया गैंग रेप का मुकदमा दर्ज। गोला तस्वीर की युवती के साथ सदे भाइयों ने बलात्कार करने के मामले में सीओ के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया है। बताते चले कि सीओ के आदेश के बाद पुलिस ने सदे भाइयों और उसकी माता वो एक अज्ञात के खिलाफ धारा 376 डी, 354 बी, 504, 506, 352 और STSC एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। इस संबंध में
क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। बराहवीर बाबा का मंदिर डूबा, सादौरा बंधा टूटने के तादार पर। कौड़ियाम क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध मंदिर बराहवीर बाबा का मंदिर पानी के चलते डूब चुका है। यह मंदिर फोरलेन के बगल में बना हुआ, जमीन तट से काफ़ी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। ऐसा इसलिए है कि बाढ़ का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते हुए सादौरा बंधे पे काफ़ी दबाव चल रहा है। प्रशासन ने बंधे पर जाने के लिए रोक दिया है। वहीं NH 29 पर स्थित यह मंदिर आधा डूब जाने से लोगों को भारी असुविधा हो रही है। बताते चले कि हाईवे पर चलना भी दुर्भर हो गया है, छोटी गाड़ियाँ ही गुजर पा रही है, बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है।